वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हमारी लक्ष्य सीरीज चल रही है, जिसमें आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं। डेली टॉप 50, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आ चुका है और डेली आपको क्लास मिलती है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते जाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या से रिलेटेड भी हम चर्चा करेंगे। राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो किस राज्य का इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का है। किसका है, किस राज्य का है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? बिहार का है। और कितना है? 1106। कितनी? 1106 जो क्या है, प्रति वर्ग किमी, प्रति वर्ग किमी, ठीक है, प्रति वर्ग किमी है, ये याद रखना है बिहार का। उसके बाद में है दो नंबर पर पश्चिम बंगाल, कितना है 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का है 829। उसके बाद फिर आता है अपने केरल का, कितना है 860। किसका आता है? केरल का 860। तो याद रखना है आपको, सबसे पहले बिहार आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर केरल का। तो जनसंख्या घनत्व की बात आ गई। 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? यानी सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य के अंदर की गई है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर। किसमें? आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रही है। 30 टेस्ट है इसमें, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, 100 मार्क्स के, मात्र 100 रुपए में है। साथ साथ में जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेली टेस्ट आप करोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, जरूर लें ये टेस्ट सीरीज। भारत में सबसे छोटा या लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है NH 966B, ठीक है। इसे पहले कहते थे NH 47, क्या कहते थे? 47 कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज करकर NH 966B, जो कि भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुका है। याद रखना है ये कोची से केरल तक ही जाता है, लगभग 8 किलोमीटर ये चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तूती कोरन पतन किस राज्य में स्थित है? तूती कोरन जो पतन है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता के अंदर है। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर है। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरुआत कहाँ की गई थी? विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? ये इलाहाबाद से नैनी के मध्य ये जो है प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहां से प्रारंभ की गई थी? भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची से लेकर चेन्नई के बीच, कराची से चेन्नई के बीच में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भाप से बना जो विश्व का सबसे पुराना है यह है फेरी क्वीन। कौन सा? फेरी क्वीन जो है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 1956 में जो है, तो 1 अक्टूबर 1953 को इसे क्या किया गया था? भाषा के आधार पर जो है अलग किया गया था, ये याद रखना है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को अलग किया गया था, ठीक है। मिजोरम राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? मिजोरम राज्य का गठन किया गया था 1987 के अंदर, ठीक है। बार बार पूछा जाता है 1987 के अंदर मिजोरम राज्य का गठन किया गया था। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन से है? भारत में सर्वाधिक, एक तो बॉक्साइट के और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन कौन से है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो राज्य हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है, इनमें से आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट कोयला के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? लिग्नाइट कोयले के भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? झारखंड के अंदर है, ठीक है, जो छोटा नागपुर का ये पठार है वहां पे ये लिग्नाइट कोयला जो है झारखंड के अंदर निकाला जाता है। जरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में है? जरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में है? ये भी कहाँ पे है? झारखंड राज्य के अंदर है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। सगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर
मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमिस गोम्फा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस गोम्फा त्योहार मनाया जाता है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उराव जनजाति पाई जाती है झारखंड राज्य के अंदर पाई जाती है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? ये है आंध्र प्रदेश की निवासी है। ठीक है। बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? ये है सोगकालीन स्थापत्य कला का। किसका? सोगकालीन का। ठीक है। आगे है, प्राचीन भारतीय राज प्रसादों के किस मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबार एक खास से कर सकते हैं जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था? तो वो कौन सा होता था? सभा मंडल। कौन सा? सभा मंडप। मैंने दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल आपको दिल्ली संतुलन से संबंधित क्वेश्चन दे दिए हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे दिल्ली संतुलन से संबंधित जितनी भी उनकी राजकीय प्रशासन है, जितने भी राजकीय प्रशासन है, दीवान ए खास है, दीवान ए बदगान है, ये सारी जो भी किन किसके द्वारा बनवाई गई थी, किसके काम आती थी, इनके बारे में आज मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विश्वामित्र का टीला प्राचीन विष्णु मंदिर के अवशेषों का एक मुख्य केंद्र है जहां पुरातात्विक खोजों में रामायण और महाभारत से जुड़ी दृश्यों का चित्रित करती हुई मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह किस राज्य में स्थित है? ये है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है, याद रखना है आपको। यह मंदिर समकालीन जीवन और गतिविधियों के प्रतीकात्मक चित्रण के साथ सजा धजा है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्रदान किया है। इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह कौन सा मंदिर है? उड़ीसा वाला कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी इसे शामिल किया गया है। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजा ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है। ए ओ हयूम कौन थे? ए ओ हयूम कौन थे? ये कौन थे? ए हयूम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये थे सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। ठीक है, याद रखना आपको। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन जो फोर्स है उसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है केंद्र शासित को छोड़कर किन राज्यों में है? 2019 की जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आई थी उसमें, तो बात करें तो किस राज्य के अंदर? केरल के अंदर वृद्धि हुई थी। ठीक है, याद रखना प्रतिशत के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्या होना चाहिए वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 20% क्षेत्र। कितना? 20% क्षेत्र। 26 नंबर देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं छोड़कर की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10 से कम है वह है, वो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, तो अनुसार उन राज्यों की संख्या तो कितनी है? 6 संख्या है जहां से क्या है वन क्षेत्र प्रतिशत मान जो है 10 से भी कम है। ठीक है, याद रखना है 10% से भी कम है। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अबुल फजल का कथन है ये कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, अबुल फजल ने ये कथन कहा था। तानसेन किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को फर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? किसने? फर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है, तो तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक है, तुर्की सुल्ताना का महल जो है फर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी को, ठीक है, कहा है। यह है फतेहपुर सीकरी की इमारत है, ये तुर्की सुल्ताना का महल, उसे फर्सी ब्राउन ने कहा है स्थापत्य कला का मोती। ठीक है।
पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 के बीच में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पानीपत का युद्ध जो तीसरा हुआ था, अब तीनों की डिटेल आप पूरी बतानी है, एक तो फर्स्ट की बतानी है, फिर उसके बाद दूसरे की बतानी है, फिर तीसरे पानीपत के युद्ध की, तीनों के सन लिखने हैं और किन किन के बीच हुआ, इनकी पूरी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में देनी है ताकि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और अन्य जो भी विद्यार्थी आपका कमेंट देखेंगे उन्हें भी पता चलेगा कि जो है तैयारी किस प्रकार करनी है और किस प्रकार कमेंट डालने हैं और किस प्रकार हम तैयारी कर सकते हैं। जो कमेंट देखेगा उसको कुछ ना कुछ तो याद ही होगा, आपका नाम भी होगा, भी आपका नाम अगर सही है आईडी के अंदर तो देखेगा भी हाँ इसकी तैयारी अच्छी है। तो अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखा करो, 5 मिनट का टाइम है, उस 5 मिनट में आप जब इस पानीपत को ढूंढोगे पूरे को, पानीपत से संबंधित आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे सारे टॉपिक में से। तो ये 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप आंखों से एक बार निकल गए तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो सिवनेर किला यहाँ पे हुआ था, सिवनेर किले के अंदर जो है शिवाजी का जन्म हुआ था, याद रखना आपको, ठीक है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? ये कथन आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? ये बहुत बार पूछा जाता है कि विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन संसद में कब भाग लिया था? मैंने एक दो बार पहले भी आपको बताया, सितंबर 1893 को, ये याद रखना है, कहां पे लिया था? शिकागो के अंदर, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? पाक जल डमरू मध्य, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, आपको याद रखना है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब इन चारों के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सा कितनी सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ। पाक स्ट्रेट अवस्थित है, पाक स्ट्रेट कहां पे अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है, याद रखना है आपको। किस राज्य ने हाल ही में सितंबर 2023 में घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? अब करंट के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, छत्तीसगढ़, ठीक है। इस प्रकार के आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सितंबर 2023 की बात करेंगे आज हम, किस राज्य ने हाल ही में घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा, कौन करेंगे? ये करेंगे नरेंद्र मोदी, कौन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम शुरू करेंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने विश्व पर्यटन दिवस WTD 2023 का विषय क्या था, जो 27 सितंबर 2023 को दुनिया भर में बनाया गया? इस प्रकार के ही आपको दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसकी थीम आपको याद रखने क्या है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी पर्यटन और हरित निवेश। क्या हो जाएगा? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट यानी पर्यटन और हरित निवेश जो है इसकी थीम हो जाएगी किसकी? ये था अपने यूएन, ठीक है, UNWTO, ठीक है, याद रखना है आपको, विश्व पर्यटन दिवस ये याद रखना है। 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय था टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 82वें स्थापना दिवस 26 सितंबर 2023 पर कितने प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी S&T 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर यानी SSB पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, तो जो है कितने प्रतिष्ठित, कितने 12 प्रतिष्ठित को जो है शांति स्वरूप भटनागर SSB पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं, ठीक है, 2022 की,
ये याद रखना है आपको, ठीक है। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन थी? पहली भारतीय कौन थी? तो मनिका बत्रा, ठीक है, याद रखना है, मनिका बत्रा थी। आगे देखिए, एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने 50 मीटर एयर राइफल के अंदर, जो एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के अंदर जो है 50 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड पदक जीता है। हाल ही में सितंबर 2023 में किस राज्य सरकार ने अपने 7वें टाइगर रिजर्व, जिसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये अनावरण किया गया है? ये याद रखना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर इसने अपना 7वां टाइगर रिजर्व बनाया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखना है आपको। एशियन गेम्स 2023 में महिला वुशु 60 किग्रा वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? रोसी बीना देवी ने। किसने? रोसी बीना देवी ने एशियन गेम्स 2023 में महिला वुशु 60 किग्रा वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? इसका स्पेशल वीडियो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एशियन गेम्स 2023 का, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 40वीं। कौन सी है? 40वीं, ठीक है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस घोषित गांवों का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 75%, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है? तो किसने की है? ये की है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। दुनिया भर में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? ये 2023 मनाया गया 26 सितंबर 2023 को, ठीक है, 26 सितंबर 2023 को। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने हाल ही में सितंबर 2023 में जापान के सुजुका में आयोजित फार्मूला फर्स्ट यानी एफ जापानी ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो वो है मैक्स वेरस्टैपेन, मैक्स वेरस्टैपेन, ठीक है। हाल ही में सितंबर 2023 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मंत्री को नियुक्त किया गया है, आईसीआईसीआई, ठीक है, लोम्बार्ड जनरल इनोवेशन लिमिटेड के प्रबंधक बने हैं ये। किस कंपनी ने हाल ही में सितंबर 2023 में मुंबई अपतटीय क्षेत्रों से तेल की बिक्री के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किए हैं, ठीक है। हाल ही में सितंबर 2023 में किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपनी तरह की पहली दो हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रॉन वाहन बसें सौंपी हैं? किसको सौंपी है? टाटा मोटर्स लिमिटेड को, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है सिफत कौर समरा ने, सिफत कौर समरा ने 5वां स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए 19वें एशियन गेम्स 2023 के अंदर। आज के मोस्ट करंटली मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, तो सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करें। तो आपको पता है, अभी हाल ही में एक और सूचना बता दूं कि आरपीएफ की लगभग, आरपीएफ की क्या है, रेलवे पुलिस फोर्स की भी भर्ती लगभग 10,000 पद के आसपास आने वाली है, उसमें ही 50 जीके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीके के कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें टोटल 120% आएंगे, जिसमें 50% जीके और करंट के आएंगे। तो ये आपके लिए सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम कर रहे हो, आगे आपको आरपीएफ का भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, SSC GT का भी, जो 84,000 पद अब की बार SSC ने निकाले हैं दोबारा, तो उसके लिए भी आपको जीके करंट पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ही रामबाण ये जो है क्लास है, तो डेली देखते रहें अच्छे तरीके से, और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें।
क्योंकि अगर आप सेंटर के एग्जाम की तैयारी करें तो आपको साइंस भी तैयार करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने साइंस के लिए स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज आपको मैं बता दूं कौन सी उपलब्ध करवाई है, ये रही सामान्य विज्ञान स्पेशल 15,000+ प्रीवियस क्वेश्चन है 1991 से लेकर 2023 तक, आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी इन एग्जामों में पूछे गए हैं। और ये बार बार क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करते रहते हैं, रेलवे वाले एसएससी के अंदर पूछते हैं, एसएससी वाले पुलिस वाले एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो तीनों के मिलेंगे, रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के, जीव विज्ञान के, और मात्र ₹149 में। ये ज्यादा प्राइस नहीं है, प्रताप क्लास इसके ऐप को डाउनलोड करना है और ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी है। इन 15,000 के अलावा आपको लगभग 10,000 क्वेश्चन और देते जाएंगे, जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक आपके लिए टेस्ट सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। इसमें डालते ही जाएंगे, मात्र आपके ₹149 ही लगेंगे। इसमें आपको टेस्ट मिलते जाएंगे, डेली टेस्ट 1, 2, 3 नंबर होंगे, डेली का रिपीटेशन आपको करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। साइंस को आपने पढ़ रखी है, जिन विद्यार्थियों उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रामबाण है, टेस्ट सीरीज जरूर लें। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से इन वीडियो को देखिए और जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ताकि आपको पता चलते रहे कि हमारी तैयारी कैसी है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।